आश्रित हो जाओगे। किस प्रकार आश्रित होना है? जैसे पुण्यात्माओं एक आदर सत्कार और पूजा में, आदरणीय और पूज्य में बहुत अंतर होता है। आदरणीय तो बड़े विद्वान राजा लोग, संत जन, भक्त जन, बहन भाई, बुजुर्ग सभी आदरणीय होते हैं, लेकिन पूज्य एक ही होता है। जैसे पति भर्ता पत्नी लड़की होती है, पति भर्ता जो स्त्री होती है वो पूरे परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में रहती है, जेठ भी है, जेठानी भी है, देवर भी, देवरानी भी, सास और ससुर और ननद। अब पति भर्ता वैसे तो सबका सत्कार करती है, पति भर्ता वही होती है जो मृदुभाषी हो, झगड़ालू ना हो, यदि और अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी दूसरे पुरुष को ना चाहे वो पति भर्ता होती है। पति भर्ता वो भी होती है जो अपने पति को के अतिरिक्त किसी को नहीं चाहे और परिवार के अंदर कला मचा दे, वह पति भर्ता होते हुए भी नाशकरणी है। और एक पति भर्ता ऐसी होती है कि घर में भी रहे अपने पति को, तो वो तो फाइनल होता ही है पति भर्ता का, अंडरस्टूड है। बाकी जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है, ननंद सास ससुर को यथा उचित सत्कार दो है और उनते प्यार ते रहे, तो वो उनका सत्कार करे, आदरणीय है उसके वह कौन सास ससुर है और बड़े जेठ जेठानी है उनको बड़े भाई बहन के तुल, और छोटी देवर देवरानी है उनको छोटे भाई बहन की तरह, और ननंद को अपने छोटी बहन की तरह, तो इस तरह सत्कार दे। माता पिता को, सास ससुर को माता पिता के तुल्य सत्कार करे, लेकिन उसकी अपनी आस्था जो होती है अपने पति में ही रहती है। जब भिन्न होते हैं ना, अलग अलग न्यारे होते हैं, तो उस समय उसका देखे, फिर उसके त्यौहार देखे चलते समय, अपने सारे आइटम ठाठा का अपने घर अंदर लेगी, एक ना छोड़ा उनका दूसरा के। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, अब हम यहाँ ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी देव हमारे एक परिवार के अंग हैं, ये आदरणीय है लेकिन पूज्य नहीं है। हमारे पूज्य हमारे कबीर परमेश्वर हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उनकी पूजा से जब तक हम संसार में रहेंगे इनके साथ हैं, और जब हम इनसे न्यारे होंगे सतलोक चलेंगे, अपनी पाई पाई इकट्ठी कर गोज में गाल लेंगे अपने राम नाम की पूजा भक्ति, और अपने मालिक अपने पति के साथ चले जाएंगे। जैसे वो पति भर्ता फिर अपने पति के कक्ष में अपने सारे सामान उठा कर रख लेती है। तो पुण्यात्माओं, जब हम ऐसे पति भर्ता यानी अन्य किसी देव से भी स्वप्न में भी हम कुछ इच्छा ना रखें अपने संसारिक सुख की, केवल एक अपने मूल मालिक कबीर देव से, कबीर साहब से हम इच्छा रखेंगे, उसके अतिरिक्त किसी में स्वप्न में भी नहीं चाहेंगे, तो हम पति भर्ता पद पर आगे, हम पति भर्ता भक्त हैं। अब परमात्मा क्या बताते हैं, पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। क्या बताते हैं कि जब आप ऐसी आ जाते उस स्थिति में, कबीर जी के अतिरिक्त आप किसी के मन में स्वप्न में भी नहीं चाहते किसी देव को, तो फिर आप अपने जीवन रूपी सफर में जब चलते हो, पैदल सफर करते हो, प्रस्थान करते हो, परमात्मा आपके पाप रूपी कांटों को ऐसे बुहारता चलता है आगे आगे के मेरे बच्चे को, मेरी प्यारी आत्मा के कर्म रूपी पाप रूपी पाप कर्म रूपी कांटा लग चुभ ना जावे, आपके दुखों को ऐसे दूर करेगा। पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते हैं ना काटा लग जावे। आप देख लेना कुछ दिनों के बाद
जब आप इस परमात्मा से परिचित हो जाओगे और सच्ची भक्ति करोगे, सब पूजाएं त्याग दोगे, अब क्या करते हो? शुरू शुरू में आते हैं, डरते रहते हैं उन आन उपासना को छोड़ने से, नाम भी ले लेते हैं और डरते डरते उनको भी नमस्कार पड़े पड़े करे जाते हैं, तो उनको लाभ नहीं होगा भूल के भी। या तो एक कदम उस पटरी पर खड़ा हो जाना है जिस पर गाड़ी चला करती है, गड्ढा मतलब गेर न रखी थी हमने, ये 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कहते हैं इतनी भयंकर है वो गलत साधनाएं जो तुम कर रहे हो, शास्त्र विधि त्याग के मनमानी आन उपासनाएं, अन्य देवताओं की, भूतों की, प्रेतों की, श्राद्ध प्राद जो निकालते हो, इतनी भयंकर है जैसे 100 वर्ष तया साधना कर ली और एक दिन आन उपासना कर ली, दूसरी साधनाएं जो तुम करते हो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण। परमात्मा कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। इतनी भयंकर है इस भक्ति मार्ग में अन्य आन उपासना, यानी नियम को भंग नहीं होने दे। परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त किसी में श्रद्धा आपकी ना रहे, फिर देखना आपके घर में सुख है। आप सोच भी नहीं सकते वो सुख देगा भगवान आपके घर में। आपने सुना होगा, कभी देखा नहीं होगा, वो चमत्कार आपके घरों में होंगे, वो दुख आपके दूर होंगे। कबीर परमेश्वर से बोलो सतगुरुदेव, परम पिता परमात्मा, सर्वसृष्टि रचनहार, कुल के मालिक, सबके मालिक, कुल धनी कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग सुनने को मिला। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ये सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं, सबके मालिक हैं, हम सभी के एकमात्र यही वो पिता हैं, यही वो माता हैं, जिसको हम कहा करते थे तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव। अब हम ये सेंटेंस बोला जरूर करते थे, याद भी कर रखा था, घोट रखा था, पर हम किसके लिए ये बोल रहे थे, किसको मान रहे थे कि वो है देवों का देव, भगवानों का भगवान, सर्वशक्तिमान कौन है वो, हमें कोई पता नहीं था। वैसे ही अटकलबाजी से हम अपनी क्रियाएं किया करते थे। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी जानकारी दी, क्योंकि यहाँ के भगवान ने, यहाँ के स्वामी ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने, जिसके अंतर्गत हम यहाँ अधीन हैं, जिसके अंतर्गत हम इसके जाल में फंसे हुए हैं, इस काल भगवान ने हमें यहाँ पूर्ण रूपेण धोखे में रखा हुआ है। और उस परमेश्वर ने आके हमें बताया कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये अच्छा ठिकाना नहीं है, यहाँ कोई जीव सुखी नहीं है, यहाँ कोई जीव स्थाई नहीं है, सबकी मृत्यु होगी और ना जाने कब हो जाएगी और किन परिस्थितियों में हो जाएगी। आज आप अपने परिवार को अपना मानते हो, इसी के भरण पोषण के अंदर सारा जीवन अपना व्यस्त रखते हो, सारा जीवन समाप्त कर जाते हो, एक पल का भरोसा नहीं परिवार के किस सदस्य की कब मृत्यु हो जाए। पुण्यात्माओं, फिर ऐसे लोक में और भय नहीं बनता, डर नहीं बनता, अपनी मृत्यु का कभी डर नहीं बनता, ये सबसे बड़ी कमजोरी है इस जीव की, सबसे बड़ी भूल है ये। हम ये क्या सोचते हैं कि वो मर गया, हम अभी नहीं मरेंगे, अभी नहीं मरेंगे, जो मरने वाला भी यही सोच रहा था मैं अभी नहीं मरूंगा, और वो भी मर गया, उसकी मृत्यु होगी। तो कहने का भाव ये है कि हम यहाँ इस काल ने विवश कर रखे हैं, जीव को एक पल का भी चैन नहीं छोड़ रखा, इतना महादुखी किया हुआ, चाहे यहाँ कोई प्रधानमंत्री है, चाहे कोई पूरी पृथ्वी का पति है, कोई भी जीव
चैन की नींद नहीं लेता है। और मान लीजिए कोई ये सोच रहा है कि मेरे तो सब ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं, अरे एक पल में बिजली गिर जा, के ना जाने के हो जाए एक मिनट में, तो के ठीक है यू? तो परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोद ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख को सुख मान कर ये प्राणी यही सेट होया बैठा है। परमात्मा कहते हैं ये तो काल का आहार है और ना जाने कब ये खा जाएगा, किसको खा जाएगा, कैसे खाता है। जैसे मृत्यु होगी, मृत्यु के उपरांत सूक्ष्म शरीर और होता है, शरीर स्थूल शरीर के अंदर, उसको तपत शिला पर जाकर डाल देता है, वहाँ चटक मटक जीव करते हैं और उनसे निकले हुए गंध को ये वहाँ आहार करता है। पुण्यात्माओं, सत्संग के माध्यम से परमात्मा की वाणी सुनाई जाती है। परमात्मा की वाणी मीन भगवान का आदेश सुनाया जाता है, जैसा कि आप जी ने कल गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं पढ़ा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में जो स्वयं आकर उन्होंने अपने मुख से बोली हुई है, उसमें आध्यात्मिक धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में विस्तार से जानकारी दी हुई है। और वो कार्य करते करते, कर्म करते करते सफल होती है, हठ योग आदि जंग घर छोड़कर जाने से नहीं, मात्र उसमें उसकी आवश्यकता ही नहीं। वो एक अनमोल ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में फिर प्रमाण दिया है कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुखारविंद से उच्चारित करके लिपिबद्ध करवा रखा है, वो ज्ञान, उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे अध्यात्म ज्ञान बताएंगे, वो तत्व ज्ञान से परिचित कराएंगे। तो परमेश्वर ने स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका की। सन 1398 में वो सतलोक से चलकर आए, अपने निज स्थान से चलकर आए अमरलोक से, और भारतवर्ष के पवित्र भूमि पर, भारतवर्ष के काशी शहर में लहर तारा नामक एक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके वो परमात्मा प्रकट हुए, लीला की उन्होंने, और उनको एक नीरुनिमा नाम के जुलाहा दंपति उठा कर ले गए। उनका संतान नहीं थी, निसंतान थे। लीला में शरीर से परमात्मा बड़े हुए। जब वो 5 वर्ष के हो गए से ही वो अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी, अपनी वाणी को अपने मुखारविंद से उच्चारित करने लगे, उच्चारण करने लगे। उनके ज्ञान के सामने बड़े बड़े विद्वान फेल हो गए, लेकिन बालक जानकर, जुलाहा जानकर, एक संस्कृत भाषा का ज्ञान ना होने से उनको अविद्वान जानकर उन अनाड़ियों ने परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को ना स्वयं स्वीकार किया और ना जनता तक जाने दिया, उसको दबा दिया, समाप्त करवा दिया। परमात्मा ने कृपा की हमारे ऊपर, वो लिपिबद्ध करवा दी भक्त धर्मदास जी के माध्यम से। आज वो अमृत ज्ञान हमारे समक्ष है, आज वो उसका प्रकाश हो रहा है, और वो ज्ञान इन वेदों और पुराणों और गीता जी से मेल खाता है, और इनसे जो गीता और वेदों में नहीं है, जहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएगा, हम कंप्लीट नॉलेज नहीं रखते, तो वो ज्ञान भी
उस तत्व ज्ञान के अंदर परमात्मा की वाणी में लिपि